तकरीबन 500 साल बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका इंतजार भारत का हर हिंदू कर रहा था, हर सनाती कर रहा था, क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हो गए और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का बहुत भव्य आयोजन होने वाला है। अयोध्या हो, पूरा भारत हो, पूरा भारत राममय हो गया है। इसी तर्ज पर, इसी तरह आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी पूरी राममय हो चुकी है, पूरी भगवामय हो गई है, क्योंकि राजधानी देहरादून में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है प्रभु श्री राम जी की। अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जिले से, बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे हैं। कहां से आए हैं आप? हम तो यही लोकल से ही बंजारा वाला से आए हैं। जो हमको वर्षों से इंतजार था वो सपना हमारा पूरा हो रहा है। जय श्री राम। देखिए सब जितने भी भक्त हैं, सब जय श्री राम के नारों के साथ इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। कहां से आए हैं भाई साहब? मैं यहां से हूं, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। राम मंदिर बन रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, बहुत जोश आ रहा है, जोश। और एक बार वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा, एक भीड़ भी दिखा दीजिए। राम मंदिर बन चुका है, भगवान श्री राम विराजमान हो चुके हैं, क्या कहेंगे? अब राम राज्य की स्थापना करने के लिए ये संकल्प करके यहाँ पर हिंदू जन सैलाब सड़कों पर उतर चुका है, क्योंकि सबने विचार किया था धर्म बचा तो देश बचेगा, और नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष बचेगा। आज धर्म की जय जयकार हो रही है, श्री राम के चरित्र को आत्मसात करने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, करोड़ों लोगों के मन के प्राण है श्री राम। तो आज उत्साह आप देख ही रहे हैं। शोभा यात्रा में बहुत लोग सम्मिलित हो चुके हैं और शोभा यात्रा शुरू भी हो चुकी है, परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने न्योता ठुकराया है प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने के लिए। क्या ये जिन्होंने सदैव इस भारत को अपने आर्थिक लाभ के लिए यूज करने का प्रयास किया, वो पार्टी के वो सदस्य जो राम भक्त नहीं है, जो राम का तिरस्कार करते हैं, उन लोगों की नैया डूब चुकी है। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, वे मुस्लिम तुष्टिकरण में लिप्त है, जबकि मुसलमान समझ चुके हैं कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे। वो आज श्री राम को आत्मसात कर इस मुख्य धारा में आने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या तो छोड़िए, उत्तराखंड की राजधानी पूरी राममय हो चुकी है। रात को भगवान के भजन चलते हैं, लोग खड़े होकर उनको सुनते हैं, किस तरह से देखते हैं। देखिए प्रत्येक घर में अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार है हर व्यक्ति, हर राम भक्त, और यह उत्साह उसी का है। और भी लोग हैं, मैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात। कहाँ से आए? हम यही से हैं, राम से। ये राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, तभी तो रैली में बहुत खुश हैं, बहुत। आप कहाँ से आए हैं? हम अपना घरवार छोड़ अयोध्या जाएंगे, जाएंगे जब मौका मिलेगा, जाएंगे, जरूर जाएंगे। लोग काफी, हाँ, ये बच्चे भी, युवा भी दिख रहे हैं। आप रैली में सम्मिलित होने के लिए आए कहाँ? देहरादून से ही है? हाँ, बंजारा वाले से। बंजारा वाला से राम मंदिर बन रहा है? हाँ जी भाई साहब, भगवान राम भी विराजमान हो चुके हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, लाइटें भी लगवा दी हैं घर में। अच्छा, घर में लाइटें भी लगवा दी हैं, एक राम भक्त और मिल गए हमें। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला बेटी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम, बच्चा बच्चा राम। पूरा भारत राम में हो चुका है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी राम में हो चुकी है, किस तरीके से देखते हैं। और भगवान राम का मंदिर इतने वर्षों बाद आखिरकार वहां बन चुका है, जहां पर सनातनी और हिंदू जो लोग थे इंतजार कर रहे थे, किस तरीके से आप देखते हैं? सत्य सनातन धर्म की जय। जिस प्रकार भगवान श्री राम का अब जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला गर्भगृह में स्थापित होने जा रहे हैं, पूरा देहरादून पूरे भारत की तरह ही जो है भगवामय हो चला है, राममय हो चला है। जिस प्रकार हम अयोध्या जी में एक राम पथ का निर्माण हुआ है, उसी तरह आज आप देखिए इस शोभा यात्रा के माध्यम से देहरादून का जो पथ भी राम पथ हो चला है। अयोध्या जाएंगे? मैं अयोध्या अभी 4 दिन पहले ही अयोध्या जी से लौटा हूँ। एक बार अपने वीडियो जर्नलिस्ट से मैं कहूँगा, भीड़ दिखा दीजिए, पहले अपने पीछे दिखा दीजिए, एक बार ये भीड़ दिखा दीजिए आप। तो
राजधानी देहरादून की जो सड़कें हैं वो राममय हो चुकी हैं। राजधानी देहरादून जो है वो इस समय भगवे रंग के झंडों के साथ ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बच्चे बच्चे भी राम बन के निकले हैं। बेटा क्या नाम है? आर्यन। आर्यन कहाँ से हैं आप? कुमार बने। आप राम बने? लक्ष्मण। आप लक्ष्मण, आप राम बने जी। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। अच्छा महसूस कर रहे हैं। कैसा? अच्छा। आप बताइए। अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमारे साथ कहाँ है सीता जी? कहाँ है? अच्छा बेटा, ये सीता जी बनी हुई है। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियांशी। प्रियांशी कौन से क्लास में है आप? फोर्थ। आप फोर्थ क्लास में, आप सीता माता बने हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा लग रहा है। हनुमान जी बने हुए भी हैं। आप हनुमान बने हुए हैं। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, श्री राम भगवान अपने घर पहुंच चुके हैं, मंदिर में पहुंच चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आपको? देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे। कैसा? बहुत अच्छा। राम मंदिर बनाया? बहुत अच्छा। आप कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, हमारा राम जी आ गए हैं हमारे। एक बार जोर से बोल। अरे मधु मैडम भी हमारे साथ मिल चुके हैं। मैडम मंदिर बन चुका है, शोभा यात्रा निकल रही है। देखिए बहुत ही हर्ष और बहुत ही खुशी की लहर आज प्रभु श्री राम के उसमें शोभा यात्रा निकल रही है और 22 तारीख का दिन इससे भी भव्य और दिव्य होने जा रहा है। हम सब लोग बहुत ही गौरवान्वित और हर्ष महसूस कर रहे हैं। और आज देखिए, आज पूरी हजारों की संख्या में यहाँ पे उत्तराखंड देवभूमि से जो है ये प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकल रही है। प्रभु श्री राम का जो है उद्घोष लग रही है। और भी लोग आ रहे हैं, और भी लोग इस यात्रा में, इतने लोग हैं गिन पाना मुश्किल है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सड़कें, जय श्री राम। जय श्री राम। बच्चों इधर आ जाइए। बच्चे छोटे छोटे बच्चों में भी राम बसे हुए हैं, सब राम में हो चुके हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कौन लाए राम को? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी लाए राम को? बिल्कुल जी बिल्कुल। जब वो आए तो उनके आने के बाद ही राम मंदिर की स्थापना हुई। चलिए, ये मैं अगर यहाँ का नजारा आपको बताऊं तो हजारों की संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में निकले हुए हैं। ये शोभा यात्रा राम श्री राम के नारों के साथ निकलती जा रही है और पूरी सड़कें हैं जो श्री राम के नारों के साथ भगवा रंग के साथ। ये भाई साहब बहुत खुश दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश हैं। 500 साल बाद हमारे आराध्य आए हैं, राम लला पधार रहे हैं अपने कुटिया में। इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है जी। और राजधानी देहरादून जो है, राजधानी देहरादून की सड़कें भी जो है वो भी राम में हो चुकी है। बिल्कुल भगवा में लहराएंगी वो, एकदम पूरा देहरादून भगवा में हो जाएगा, पूरा भारत भगवा में खुश है एकदम। जय श्री राम बोल मेरा तू बोल। मेरा बोल। जय श्री राम। राम मंदिर बन चुका है अयोध्या में, किस तरीके से देखते हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी हो रही है। 500 साल बाद मंदिर बन रहा है, हमें बहुत खुशी है और हम देश के युवा मंदिर वालों के साथ है। जय श्री राम। जय श्री राम के नारों के साथ। और जो अभी जो महिला हमारे साथ थी उन्होंने कहा देश का युवा जो है, जो मंदिर जिनने बनवाया है, हम उनके साथ में। एक और भीड़ का जत्था आता जा रहा है। जय श्री राम के नारों के साथ ये शोभा यात्रा में भीड़ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। जत्ते के साथ जत्ते आते जा रहे हैं और एक ही नारा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा और मेरी तरफ से और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो है विवेक, उनकी तरफ से आप सभी को जय श्री राम। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।